सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। तेरे ही जब होती है तो तेरा ब्राह्मण ही क्यों खिलाए जाते हैं? 14 ब्राह्मण खवा दो, 20 ब्राह्मण खवा दो, 10 ब्राह्मण खवा दो, तेरा ब्राह्मण क्यों? क्योंकि यहां से हमारी जो यात्रा है यमपुरी की, वो 13 महीने की होती है। यहां से हम जब मरते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर यहां से जाता है, तो सूक्ष्म शरीर को कौन ले जाता है? यमदूत। यमदूत कहां ले जाते हैं? यमपुरी। वहां पर क्या होता है? हिसाब किताब। तो मृत्यु लोक से यमपुरी जाने का टाइम कितना लगता है? 13 महीने। इसलिए 13 ब्राह्मण खवाए जाते हैं। 13 ब्राह्मण खाएंगे तो एक ब्राह्मण के खाने से एक महीने का राशन पानी आपको रास्ते में मिलता जाएगा इकट्ठा। एक ब्राह्मण खाएगा तो एक महीने का आपकी व्यवस्था होगी रास्ते की। रास्ते में जाओगे तो भूख प्यास लगेगी तो कुछ खाना पीना पड़ेगा ना। तो आपने खिलाया है तो आपको मिलेगा, खिलाया नहीं कहां से मिलेगा? 13 ब्राह्मण इसलिए क्योंकि यात्रा 13 महीने की होती है ना जी, इसलिए 13 ब्राह्मण खवाए जाते हैं, ताकि 13 ब्राह्मण खवाने से 13 महीने की यात्रा का पूरी व्यवस्था। भाई आप हरिद्वार 10 दिन के लिए जाते हैं तो 2 किलो के लड्डू लेके जाते हैं कि नहीं? मैया जी आप लोग आई होंगी तो ऐसे तो नहीं खाली हाथ आए होंगे, कुछ तो लाए होंगे लड्डू वड्डू कि चलो वहां नहीं मिला तो अपने खा लेंगे। ऐसे ही हम लोग जब मरते हैं तो अपनी व्यवस्था करते हैं। अच्छा ये व्यवस्था कौन करता है? आपके बच्चे करते हैं। अच्छा यदि आपके बच्चे तेरे ही ना करें, माना कि किसी के बच्चे दुष्ट हैं या किसी कारणवश तेरे ही ना हुई, तो क्या फिर उसे नहीं मिलता? हाँ उसे फिर तब मिलता है जब उसने अपने जीवन में किसी को खिलाया हो। आपने यदि किसी को खिलाया है भाई, आपने किसी को खिलाया है, आपने किसी को पेट भर के खिलाया पिलाया है, तो फिर आपको वही मिलता है जो आपने खिलाया पिलाया। इसलिए कहता हूं कि आप कुछ करो ना करो पर अन्नदान जरूर करना, क्योंकि आदमी सबके बिना रह सकता है पर खाए पिए बिना नहीं रह सकता। अरे कपड़ों के बिना भी हम लोग रह सकते हैं, चलो फटे पुराने पहन लेंगे। आदमी बोरा पहन लेता है, बोरा जानते हैं आलू जिसमें भर के आते हैं, बोरा पहन लेते जब जरूरत पड़े। भाई कपड़े नहीं तो बोरा लपेट लो, चलो बोरा भी नहीं तो लोग फिर पत्ते लपेट लेते हैं, पत्ते बलकल वस्त्र जो बोलते हैं हम लोग, बलकल वस्त्र लपेट लेते हैं, चलो बड़े बड़े पत्तों के पहन लेते हैं, चलो उसका ऑप्शन है। पर भाई भोजन नहीं मिले इसका क्या ऑप्शन है? भोजन तो तब मिलेगा ना जब आप किसी को खिलाएंगे। इसलिए आपके बच्चे तेरे ही करें ना करें, आप अपने हाथ से दान पुण्य करते रहेंगे तो भी आपका यात्रा आपकी यात्रा अच्छी होगी। और यदि आप तेरे ही के भरोसे बैठे रहेंगे और तेरे ही भी नहीं करी बच्चों ने, लो इसलिए अपना काम कर लो। 13 दिन ब्राह्मण खा, 13 ब्राह्मण खाए सो 13 महीने की यात्रा पूरी होगी। इसलिए ब्राह्मणों को खवाया जाता है। हाँ जी, हाँ ब्राह्मण खाएगा तो ही आपकी भोजन की व्यवस्थाएं होंगी। अब आप कहेंगे महाराज ये कैसे पॉसिबल है वो खाएं हमें मिले? हाँ ये भी समझाता हूं, ये ऐसे पॉसिबल है कि आपका कोई अपना अमेरिका में है और अमेरिका में उसके पास पैसों की कमी है। आपके बेटे ने कहा पापा जी हमें 20,000 रुपए की जरूरत है, जरा 20,000 रुपए भेजो अमेरिका में है, तो आप कैसे भेजेंगे? बोलो कैसे भेजेंगे? बैंक में डाल देंगे। आप अपने यहां की बैंक में डालेंगे तो उसके वहां की बैंक उसे दे देगी कि नहीं? यहां की बैंक में डालोगे तो वहां की बैंक अपने आप दे देगी। उसी प्रकार भगवान की यह व्यवस्था है कि ब्राह्मणों को, दीन दुखियों को, जरूरतमंदों को जब आप खिलाते हैं तो वही जो उन्हें खिलाया है वही आपको आगे प्राप्त हो जाता है। जब आपको जरूरत पड़ती है वही प्राप्त हो जाएगा। आपने इन्हें हलवा खिलाया है तो आपको भी हलवा मिलेगा, आपने पूरी खीर खिलाई आपको भी पूरी खीर मिलेगी, आपने दाल चावल रोटी खिलाई आपको भी दाल चावल रोटी मिलेगी। जो खिलाया मिलेगा अपने राम को,
व्यर्थ आपके द्वारा किया गया पुण्य। अरे आपने चींटियों को भी एक मुट्ठी आटा डाला है और वो चींटियों ने आपका आटा खाया है, तो चींटियों के द्वारा खाया हुआ आटे का पुण्य भी आपको व्यर्थ कभी नहीं जाएगा, उसका भी फल आपको मिलकर ही रहेगा। पुण्य कभी नष्ट नहीं होता, याद रखिएगा, पुण्य का फल मिलके ही रहता। इसलिए फिर देखो हम यहां से गए यमराज जी, 13 महीने की यात्रा के बाद हम यमराज जी के सामने पेश भए। यमराज जी ने कहा, आओ जी बैठो, आप बड़े डरे रहते हैं, क्या होगा अब, क्या होगा अब, क्या होगा। आपको बड़ी ऐसी आसन में बिठाते हैं, बड़ी मखवली आसन है, वहां बिठाए। यमराज जी खड़े हैं, आपको बिठाया, अब आप डर रहे हैं। तभी वहां यमपुरी में फिर भगवान आते हैं। भगवान आए और भगवान नारायण आए और आपके पास बैठे और भगवान को देख के आप बड़े प्रसन्न हो, वाह प्रभु आप आ गए, हमें तो आपकी तलाश थी। भगवान बोले, चलो अभी हिसाब कर लेते हैं। आप गए हैं, आप भी चेयर पर बैठे हैं, आपके सामने भगवान बैठ गए आमने सामने मुंह करके। अब भगवान बोले, चलो हिसाब कर लेते। आप बोले, कैसा हिसाब? हाँ हाँ, तुम गए थे ना अभी मृत्यु लोक में, 25-50-100 साल रह के आए हो, वहां का हिसाब। अच्छा अच्छा ठीक है, कर लो। वहां एक बहुत बड़ी टीवी लगा रखी है भगवान ने, ऐसी टीवी लगी है, और वहां आपने जन्म से मृत्यु तक जो भी किया है भगवान के यहां सब रिकॉर्ड चल, रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरा भगवान ने पहले ही से लगा रखे, सब रिकॉर्ड चल रहा, रिकॉर्ड हो रहा है। आपके जन्म से मरते तक की पूरी पिक्चर भगवान पेन ड्राइव लगा देते हैं तो पूरी पिक्चर दिखती है। आपने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, कितनों का गला दबाया, कितनों की रोटियां छीनी, कितनों के साथ गलत किया, कितनों के साथ अधर्म किया और कितनों के साथ धर्म किया, कितनों के साथ अच्छा किया, आपका पुण्य पाप सब दिखता है। और केवल दिखता नहीं, भगवान कैसे सॉफ्टवेयर है कि सब अलग अलग होता जाता है, पुण्य पुण्य अलग, पाप पाप। यमराज जी से भगवान ने कहा, चलो हिसाब किताब कर लो। यमराज जी ने पूरा हिसाब किताब डायरी पर किया तो निकला क्या, आपके 100 ग्राम पुण्य निकले, 5 किलो पाप निकला, किसी का कम ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा आपका कितने पाप निकलना चाहिए, आपके कितने किलो पाप निकलने चाहिए, अच्छा बताओ, 5 किलो, 3 किलो, 2 किलो, 1 किलो या 10 किलो? मैया जी निकलेंगे पाप के नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ नहीं निकलेगा, हम तो यही चाहते हैं आपके कोई पाप ना निकले, पर किए होंगे तो निकलेंगे। अच्छा पुण्य निकलते हैं कम, पाप निकलते हैं, क्योंकि हम लोग पुण्य कम करते हैं पाप ज्यादा करते हैं। भगवान ने कहा, देखो आपके 100 ग्राम पाप है, 100 ग्राम पुण्य है, 5 किलो पाप है, अब बताओ। भगवान कहते हैं, देखो फिर हम लोग कहते हैं, भगवान हमें माफ कर दो, 5 किलो पाप ज्यादा हो रहे, कुछ कम कर लो। भगवान बोले, नहीं इसमें कम कुछ नहीं हो सकता, इसमें यहां बिल्कुल कम नहीं, अब आपको भोगना ही पड़ेगा। तो 5 किलो पाप के बदले भगवान आपको कहते हैं, जाओ फिर से जहां से आए हो, जाओ 84 के चक्कर में। 84 का चक्र क्या है, फिर नाली का कीड़ा बनो, फिर गधा बनो, बिल्ली बनो, कुत्ता बनो, हाथी बनो, पेड़ बनो, पौधा बनो, फिर मछली बनो, और 84 लाख योनियां भोग के फिर जाओगे, तब भगवान कहेंगे, अच्छा अब तुम्हारे 5 किलो पाप खत्म हो गए, और अब फिर से तुम्हें एक बार 5 किलो पाप गए, अब 100 ग्राम जो पुण्य बचा उस पुण्य के बल पर तुम्हें एक बार भगवान फिर मनुष्य का तन दे करके भेज देंगे, जाओ ये मौका दे दिया है, अब गलत ना करना। पर हम लोग ये जो आप जितने मनुष्य बैठे हो, आप सब वही 100 ग्राम पुण्य के बल पर मनुष्य बने हो, आपने 100 ग्राम पुण्य किया था पिछले जन्म में, उसके बल पर आप 84 का चक्कर काट के आए हैं पापों का फल, थोड़ा सा पुण्य किया है उस पुण्य के बल पर आप आज मनुष्य का तन पाए हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, बड़े भाग्य से मानव का तन मिलता है, इसलिए मानव का तन पा करके केवल अच्छे काम करना, बुरे काम छोड़ देना किसी और के लिए, आप अच्छे अच्छे कर लेना, आप सारे अच्छे काम करना, बुरे काम में बिल्कुल मन ना लगाना, यही इस मानव तन की सार्थकता है।